स्वागत है, मैं हूं शिखा धूरिया। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसान पिछले करीब 2 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सरकार और किसानों के बीच वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन सभी बैठकें बेनतीजा ही साबित हुई। पंजाब के एक किसान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हीराबेन मोदी से गुहार लगाई है। किसान ने बेन मोदी को एक भावुक खत लिखा है, जिसमे उनसे आग्रह किया गया है कि वो अपने बेटे को तीनों नए कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए कहें, जिसकी वजह से देश में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक पंजाब के फिरोजपुर जिले के गांव गोलू का मोड के रहने वाले हरप्रीत सिंह ने हिंदी में ये पत्र लिखा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन मोदी से अपील करते हुए कई भावनात्मक बिंदुओं को उसमें शामिल किया है। किसान ने अपनी चिट्ठी में मौसम की स्थिति, जिसके तहत किसान विरोध कर रहे हैं, कानूनों को निरस्त करने की मांग की लोकप्रिय प्रकृति, देश में भूख मिटाने में किसानों का योगदान और देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने में उनके योगदान जैसे मुद्दों का जिक्र किया है। हरप्रीत सिंह ने अपने पत्र में लिखा, मैं इस पत्र को भारी मन से लिख रहा हूं। जैसा कि आप जानती होंगी कि देश और दुनिया को खिलाने वाले अन्नदाता तीनों कृषि कानूनों के विरोध में कड़ाके की सर्दियों में दिल्ली की सड़कों पर सोने पर मजबूर है। इसमें 90 से 95 साल के बुजुर्गों के अलावा बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। खत में लिखा गया है कि कड़ाके की ठंड लोगों को बीमार कर रही है, यहां तक कि किसान शहीद हो रहे हैं, जो हम सभी के लिए चिंता की बात है। किसान ने अपने खत में आगे लिखा कि दिल्ली की सीमाओं पर ये शांतिपूर्ण आंदोलन तीन काले कानूनों के चलते हुआ है, जो अडानी, अंबानी और अन्य कॉरपोरेट घरानों के इशारों पर पारित किए गए हैं। हरप्रीत सिंह उन किसानों में शामिल है जो सितंबर 2020 में संसद की तरफ से तीन नए कृषि कानून पारित करने के बाद दिल्ली और उसके आसपास की सीमा पर करीब 2 महीने से हजारों किसानों के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हरप्रीत सिंह को कुछ दिनों पहले शिमला में बिना अनुमति के प्रदर्शन करने पर भी गिरफ्तार किया गया था, हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया था। अपने पत्र में हरप्रीत सिंह ने लिखा, मैंने ये पत्र बहुत आशा और उम्मीद के साथ लिखा है। आपका बेटा नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है, वो अपने द्वारा पारित कृषि कानूनों को निरस्त कर सकता है। हीराबेन मोदी को लिखे पत्र में हरप्रीत सिंह ने लिखा, मुझे लगा कि कोई अपनी मां को छोड़कर किसी को भी मना कर सकता है। उन्होंने आगे लिखा कि पूरा देश आपको धन्यवाद देगा, केवल एक माँ ही अपने बेटे को आदेश दे सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।